अजमेर मिशी दुआ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, करेंगे न्यूज़ केंद्रीय साइंस फॉर क्लास सिक्स, और इसका टॉपिक हम कर रहे थे लाइक चैप्टर है सिक्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जिसका आज टॉपिक करेंगे एलिमेंट्स। मॉडल बिल्डिंग ब्रिक्स लाइक द वन शोन इन दिस पिक्चर टू द राइट कैन बी यूज टू बिल्ड मैनी डिफरेंट थिंग्स। इवन दो देर आर ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, अ वेराइटी ऑफ मॉडल्स आर पॉसिबल बिकॉज द ब्रिक्स कैन बी असेंबल्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। अब आपको साथ में बच्चों के खिलौने नजर आ रहे हैं, ये बिल्डिंग ब्रिक्स होती हैं, ब्लॉक्स होते हैं, जिनको आपस में एक दूसरे के अंदर सेट करने से या रखने से एक नई चीज़ बन जाती है। ठीक है, अगर आप इसको इनको डिफरेंट तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ोगे तो हमेशा एक नई शक्ल बनेगी, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। यानी आप सेम चीज़ों से, सेम ब्लॉक्सेस से, पर डिफरेंट कलर ऑफ ब्लॉक्सेस से डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स की शक्लें बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह ऑल नोन मैटर्स ऑन अर्थ एंड इन स्पेस इज मेड अप फ्रॉम अबाउट 118 डिफरेंट, यानी 118 डिफरेंट केमिकल बिल्डिंग ब्रिक्स। वी कॉल दीज बिल्डिंग ब्रिक्स एलिमेंट्स। अब अल्लाह ताला ने भी हमारे दुनिया के ऊपर और स्पेस के अंदर इसी तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स रखे हैं, जिनको हम एलिमेंट्स कह के बुलाते हैं। ये आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स की मैं पीरियोडिक टेबल दिखा रही हूँ, ये उन एलिमेंट्स की शॉर्ट फॉर्म्स हैं। जैसे अगर हम कार्बन CARBON कार्बन पूरा नहीं लिखते तो हम उसको जस्ट सी से डिनोट करते हैं, हम सी लिख देते हैं कार्बन की जगह। ठीक है, तो इसी तरह ये सारे 118 एलिमेंट्स हैं जो हमारी ज़मीन पर भी मौजूद हैं, और कुछ इनमें से हमारे स्पेस में से आए हैं। ठीक है, वो यहाँ ज़मीन का हिस्सा नहीं, यानी जब ऊपर से सितारा टूट कर गिरता है तो वो हमारी ज़मीन का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह ये वाले जो असल शक्लें हैं इनकी, वो कुछ इस तरह हैं दिखने में, जो पिक्चर अब आपको नज़र आ रही है, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं ये चीज़ को समझने के लिए, इसलिए मैंने सिर्फ आपके लिए वो पिक्चर्स डाल दी हैं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाट आर द एलिमेंट्स एक्चुअली लुक लाइक, और एलिमेंट्स दिखने में कैसे होते हैं। ये मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ धातें होती हैं और कुछ धातें नहीं होती। आपने बस क्या याद करना है कि यहाँ दुनिया में जितने भी मैटर्स हैं वो तकरीबन 118 हैं जो अभी तक हमने फाउंड किए हैं। ठीक है, जो हमें मिले हैं, हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा हों, लेकिन अभी तक इंसान ने जो मालूम किए हैं वो तकरीबन 118 एलिमेंट हैं, डिफरेंट केमिकल हैं या ब्रिक्स हैं, जिनको हम एलिमेंट्स कहकर बुलाते हैं। ये आपने जहन में रखना, जो याद करने वाली चीज़ है। अब आगे चलते हैं। This bread and the wooden board are both made up of the same three elements. अब देखें, ये जो ब्रेड आपको नज़र आ रही है और जिस बोर्ड लकड़ी के तख्ते पर ये रखी हुई है, ये दोनों सेम एलिमेंट से बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन लकड़ी को हम खा नहीं सकते और ब्रेड को हम दरवाज़ा नहीं बना सकते, यानी ब्रेड खाने के काम आती है और लकड़ी दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने के काम आती है, फर्नीचर बनाने के काम आती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दोनों में मौजूद है लेकिन एक खाने वाली चीज़ है और एक लकड़ी है? तो बच्चों, उसमें जो थोड़ा डिफरेंस है वो ये है कि ब्रेड एंड वुड आर डिफरेंट बिकॉज दे बोथ कंटेन डिफरेंट परसेंटेज ऑफ ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स। यानी ब्रेड के अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कार्बन की मिकदार है वो थोड़ी चेंज है लकड़ी में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिकदार से। तो बस जैसे कि हम चीनी के साथ हलवा भी बनाते हैं और चीनी के साथ चाय भी बनाते हैं, लेकिन चाय में हम हलवे जितनी चीनी नहीं डालते, इसलिए दोनों चेंज होते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो ब्रेड और लकड़ी है ना, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एक दूसरे से, यानी लकड़ी का कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट है उसकी, यानी मिकदार, यानी हो सकता है कि कार्बन के उसमें 10 हों और ब्रेड के अंदर जो है कार्बन के सिर्फ 2 एलिमेंट्स हों, तो ये मिकदार जो है ना चेंज है, इसी वजह से वो ब्रेड बन गई है और ये लकड़ी का तख्ता बन गया है, और इसमें कोई चेंज नहीं आया, तीनों सेम एलिमेंट से मिलकर बनी है। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। आपको सबको पता है कि एलिमेंट्स एटम के जुड़ने से बनते हैं। ठीक है, एंड ईच एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, और हर एलिमेंट में एक ही काइंड का एटम होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा, वो कंपाउंड कहलाएगा।
अगर दो तरह के एलिमेंट एक जगह आपस में मिल जाते हैं तो वो एलिमेंट नहीं रहेगा, वो कंपाउंड बन जाएगा। तो ये याद रखें कि एलिमेंट्स के अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। अभी आप ये प्रीवियस अपने टॉपिक में पढ़ कर आए हैं, तो अब दो बातें होंगी याद रखने वाली, एक तो एलिमेंट्स 118 तरह के होते हैं, डिफरेंट काइंड होते हैं, और दूसरी बात ये होगी कि एलिमेंट मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड, ठीक है, तो वो एलिमेंट कहलाएगा। अदरवाइज अगर दो तरह के एटम एक साथ मिले हैं तो वो कंपाउंड बन जाएगा, एलिमेंट नहीं रहेगा। अब आगे पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज एन एलिमेंट। एन एलिमेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग सिंपलर, दैट इज बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। अब एलिमेंट क्या हैं, अगर अब हम उनको तोड़ते हैं तो उनसे कोई नई चीज़ नहीं बन सकती। लाइक अगर लकड़ी है तो वो एक एलिमेंट है, अगर आप लकड़ी को तोड़ेंगे तो उसमें से लोहा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। लकड़ी से आप लकड़ी की ही चीज़ें बना सकते हो, उससे कोई और चीज़ नहीं बना सकते, बिकॉज उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सेम काइंड के। अब आपको ये पिक्चर में नज़र भी आ रहा है कि अगर एलिमेंट को आप देखें तो वो सारे एलिमेंट्स, और ये याद रखें एलिमेंट अकेला नहीं होता, एलिमेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, ढेर सारे एटम्स मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं, और वो सारे एटम्स दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जैसे कि आपको इस ग्रीन पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये एलिमेंट्स है और सारे दिखने में एक जैसे हैं, यानी इकट्ठे अगर हो जाए सारे एटम्स एक तरह के तो एक पूरा एलिमेंट बनाते हैं। एक एलिमेंट में कई ज़्यादा एटम्स एक साथ हो सकते हैं, कई ज़्यादा, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा। तो और कंपाउंड आपको साथ नज़र आ रहा है कि वहाँ पर दो तरह के एटम्स हैं, तो वो एलिमेंट नहीं है, वो कंपाउंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन इज़ एन एलिमेंट बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, तो हम कार्बन को भी इसलिए कार्बन ही बुलाते हैं, अकेला नाम लेते हैं उसका, ठीक है ना, तो क्योंकि वो सिर्फ कार्बन के ही एटम से मिलकर बना है। अब आगे है, अबाउट 90 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड इन नेचर, द अदर हैव बीन क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी दुनिया पे 118 एलिमेंट्स है टोटल, ठीक है, उसमें से 90 एलिमेंट्स तो नेचुरली अकर होते हैं, यानी कुदरत ने हमें दिए हैं, अल्लाह की तरफ से मिले हैं, और बकाया 28 साइंसदानों ने खुद से बनाए हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 118 एलिमेंट्स, जिनमें से 90 एलिमेंट्स अल्लाह की तरफ से मिले, नेचर ने हमें दिए, कुदरत ने दिए, और बकाया 28, यानी 90 प्लस 28 करें तो 118 बनता है ना। तो बच्चों 90 मिले अल्लाह की तरफ से और 28 बनाए साइंटिस्ट ने। दीज आर सम ऑफ द नेचुरल एलिमेंट्स, और यही नेचुरल एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि वो भी सबका नाम जो है ना उन्होंने कुदरत के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द नेचुरल एलिमेंट, ईच नेम इज़ फॉलोड बाई अ केमिकल सिंबल, और हर किसी को उन्होंने केमिकल सिंबल भी दे दिया है। जैसे आपको नीचे हाइड्रोजन के साथ ये एच नज़र आ रहा है, तो जो एच है ना ये उसका सिंबल है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जब हम फुल फॉर्म में वो नाम नहीं लिखते तो हम शॉर्ट हैंड राइटिंग में वो सिंबल के तौर पर उसका नाम छोटा करके लिख देते हैं। अब बात आ जाती है कि टीचर हम इतनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं, उनमें से हम कैसे याद करें सब, और पेपर भी पास हैं, तो हम यूँ करेंगे बच्चों कि हम इन सारे एलिमेंट्स जो कि आपको इस टेबल में नज़र आ रहे हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर हाइड्रोजन है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म या उसका केमिकल सिंबल है H, हीलियम का HE, लिथियम का LI, ब्रिलियम का BE, और इसी तरह सो ऑन, आगे जितने हैं उन जितने भी यहाँ दिए हुए उनके शॉर्ट फॉर्म आपने याद रखने हैं। और जो दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आपने इसमें से डिफ्रेंशिएट करना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं कुछ सॉलिड हैं कुछ गैस हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है पहली लाइन के अंदर ही हर एलिमेंट की उन्होंने लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस है, हीलियम भी गैस है, लिथियम सॉलिड है, ब्रिलियम भी सॉलिड है, बोरॉन भी सॉलिड है, कार्बन भी सॉलिड है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, और नियॉन भी गैस है। तो मैंने आपका मसला आसान कर दिया है, ठीक है बच्चों। आपको याद रखना है कि कौन से जो एलिमेंट हैं वो गैस हैं और कौन से सॉलिड हैं, और इनकी शॉर्ट हैंड फॉर्म कैसे है, यानी हम इसको केमिकली किस तरह लिखते हैं। लाइक हीलियम को हम HE लिखेंगे और ऑक्सीजन को O, फ्लोरीन को F और नियॉन को NE। तो बस ये आपका काम था याद करने का, मैंने बिल्कुल आपको शॉर्ट कर दिया है, इसको याद करने का तरीका बता दिया है।
बस आप लोग मेरे लिए दुआ करें, मेरा गला ठीक हो जाए। मेरे पिछले 2 महीनों से मुसलसल क्लासेस ले लेके और बोल बोल कर मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका हुआ है और मैं यकीनन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। दैट्स वाई मैं अपनी वीडियोस इतनी फ्रीक्वेंटली अपलोड नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जाता। लेकिन मुझे आप लोगों का सबका बहुत ख्याल है, बस आप मेरे लिए दुआ करें मेरा गला ठीक हो जाए, मेरी परेशानी ख़त्म हो जाए। आगे है यूजेस ऑफ एलिमेंट पढ़ लेते हैं। द मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स मीन्स दैट दे कैन बी पुट टू अ ग्रेट वैरायटी ऑफ यूजेस इन डेली लाइफ। अब हमारे पास बड़ी सारी वैरायटी है ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स की। कोई एलिमेंट्स किसी तरह का, कोई गैस है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी वैरायटी होने की वजह से हम डेली लाइफ के अंदर उसको बड़े आराम से यूज़ कर रहे हैं। उनको इस्तेमाल किन किन तरीक़ों से किया जाता है उसकी एक एग्जांपल जो है नीचे आपको दी गई है। लिक्विड हीलियम इज़ वेरी कोल्ड, लिक्विड हीलियम की शक्ल में, कि जब हम लिक्विड कर लेते हैं हीलियम को, उसका लिक्विड बना लेते हैं, तो वो ठंडा रखता है, वो बहुत कूलिंग एजेंट है, ठीक है। और वो मैग्नेट को ठंडा रखता है एमआरआई मशीन के अंदर। एमआरआई मशीन होती है जो कि आपकी पूरी बॉडी की स्कैनिंग करती है कि आपकी बॉडी में कहीं कैंसर के पार्टिकल्स या कोई भी बीमारी डायग्नोज करने के लिए। तो वो इतनी गर्म होती है कि उसका मैग्नेट जो ना आग की तरह, क्योंकि लेज़र निकल रही होती है उसके अंदर से, तो अब वो लेज़र आपकी बॉडी को जला ना दे उसके लिए उस मशीन को ठंडा करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम हीलियम जो है यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, हीलियम लिक्विड जो कि ठंडा रखता है उस मशीन को। नीचे आपको एमआरआई का फुल फॉर्म दिया गया है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म जो है ना आपने याद रखना है कि एमआरआई स्टैंड्स फॉर क्या, तो वो ज़रूर बताना है आपने। आगे कार्बन इज अ ब्लैक सॉलिड विच इज़ यूज टू प्रिंटिंग इंक, पेंसिल एंड बैटरीज। अब हमारा कार्बन जो है वो कहाँ कहाँ डलता है, वो बैटरीज में डलता है, वो प्रिंटिंग के लिए इंक बनने के लिए काम आता है, और दूसरा वो पेंसिल का जो लेड है आपका वो भी इसी से बनता है, यानी ग्रेफाइट भी उसी का हिस्सा है। और ये पाया कहाँ जाता है, ये ज़्यादातर इट इज़ अवेलेबल और प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल्स। और आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जो कोल है हमारा, ऑयल है, गैस है, ये सब कोयला वगैरह, ऑयल, गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल में आते हैं ना, जो हमारी ज़मीन के नीचे दफन हुए हैं हज़ारों साल पहले। तो ये इसकी यूजेस भी मैंने आपको बता दी और ये भी बता दिया कि ये कहाँ पाया जाता है। तो आपने ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद करनी है। नियोन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, अनरिएक्टिव गैस यूज टू मेक एडवर्टाइजिंग साइंस। नियॉन ग्लोस ऑरेंज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। आपने देखा होगा कि नियॉन साइंस जो है ना वो दूर से उस बोर्ड के ऊपर अगर लाइट डले, उसमें असल में कोई उन्होंने ऊपर ट्यूबलाइट या कोई बल्ब नहीं लगाया होता। जब गाड़ी आपकी गुजरती है तो आपकी हेडलाइट्स की लाइट जब उस साइंस बोर्ड के ऊपर पड़ती है तो वो खुद ब खुद चमकने लगते हैं और आपको वो लिखा हुआ नज़र आना शुरू हो जाता है। तो वो वही नियॉन गैस है जिसके ज़रिए वो बनाया जाता है, साइंस बनाए जाते हैं उसको इस्तेमाल करके। ताकि अक्सर आपने अपनी शर्ट्स पर भी देखा होगा वो नियॉन गैस को इस्तेमाल करके, उसको लिक्विफाई करके और सॉलिड बनाकर उसको आपकी शर्ट के ऊपर प्रिंट किया होता है, तो जब रात होती है तो वो चमक रहे होते हैं। इसी तरह जिस तरह जो हमारे ट्रैफिक सार्जेंट होते हैं रोड्स पर खड़े हुए, आपने मोटरवे पर देखे होंगे आधी रात को, उनकी जैकेट्स चमक रही होती हैं, दूर से नज़र आ रहा होता है कि ये कोई चीज़ खड़ी हुई है, तो वो सब नियॉन का ही पेंट हुआ होता है उसके ऊपर जो वो चमक रहा होता है। अब आगे आ जाता है द मर्करी इज़ द थर्मोमीटर, द मर्करी इन दिस थर्मोमीटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड एक्सपैंड इवनली व्हेन हीटेड। और इसके अंदर जो मर्करी एलिमेंट है वो भी एक्सपैंड कर जाता है अगर वो हीट पर लाएँ, और वापस वो छोटा हो जाता है, या अगर आप कहें कि जम जाता है और छोटा ड्रॉप की शक्ल में आ जाता है वापस अगर बाहर मौसम ठंडा हो तो, ठीक है। और इसीलिए ये ठंडा जब होता है तो ये बिल्कुल नीचे ड्रॉप की शक्ल में होता है थर्मोमीटर में, और जब ये आपके मुंह में रखा जाता है बुखार चेक करने के लिए तो आपकी हीट से, आपके मुंह की हीट से और बुखार की वजह से एक्सपैंड होकर ये फैल जाता है, पूरा ऊपर तक चला जाता है, जिससे पता चल जाता है कि आपको कितना बुखार है। तो ये जितनी एग्जाम्पल्स थी आपने बहुत अच्छे से याद करनी है।